सो बहुत टाइम से मैं कोफ्ते की रेसिपी बनाने की सोच रहा था। सो आज जो है मैंने लौकी और सोयाबीन के कोफ्ते बनाए हैं। तो सबसे पहले आपने जो है सोयाबीन को सोक कर देना है गर्म पानी में, उसके बाद उसे ग्राइंड कर देना है, पानी उसका अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद उसमें लौकी ऐड करनी है, ग्रेट कीवी, मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च और कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। जैसे आप उसके बॉल बना देंगे उसके बाद उन्हें डीप फ्राई करना है। कोफ्ते को जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्का सा चला के आपके जैसे उसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने उसे साइड कर देना है। उसके बाद उसका तड़का तैयार करना है। उसके लिए साबुत लाल मिर्च, सरसों और कड़ी पत्ता, इनको जो है कढ़ाई में ऐड कर देना है। फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे 1 से 2 मिनट भून लेना है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद 2 प्याज का पेस्ट ऐड करना है, नमक, उसके बाद उसे भून लेना है जब तक उसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जैसे ही उसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जाएगा उसके बाद उसमें हल्दी, देगी मिर्च और दही ये ऐड करनी है और उसे 3 से 4 मिनट भून लेना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद उसमें पानी ऐड करना है और ड्राई कोकोनट, धनिया पाउडर, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस ग्रेवी को 8 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। 8 से 10 मिनट पकने के बाद इसमें कोफ्ते ऐड करने हैं और कोकोनट मिल्क क्रीम ऐड करनी है और फिर उसके बाद 1 मिनट और पकाना है। उसके बाद आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, तब आप इसे राइस के साथ सर्व करके इंजॉय करें। शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें कोफ्ते बहुत पसंद है, उनको भी एक बढ़िया कोफ्ते की रेसिपी मिल जाएगी। और जितने ही मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और मुझे कमेंट करके बताना अपनी फेवरेट रेसिपी, तो मैं कोशिश करूंगा उसे जल्दी से जल्दी लेके आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।